आप जानते हो उस लड़की को अनोरमा सिन्हा? यूपी के एक गांव से आई थी। कुछ बदमाशों ने ट्रेन में उसकी चेन खींचने के लिए उसको ट्रेन से धकल दिया। ट्रेन के नीचे आ गई, पैर कट गए उसके। सारी रात पड़ी रही पटरियों के बीच में, कोई आया नहीं बचाने के लिए। 49 ट्रेन वहां से पास हुए, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन उधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन उधर, कोई आया नहीं बचाने के लिए। चूहे खा रहे थे उसके स्किन और हड्डियों को, कीड़े नोच रहे थे। सुबह तक ऐसी ही पड़ी रही, फिर उसको दिल्ली अस्पताल लेकर आए। वहां जाके पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया है, पैर हमेशा के लिए खत्म हो गया है, प्रोस्थेटिक लेग्स के सारे, उसको चलना पड़ेगा। वहां रहकर क्या बोली जानते हैं? कि भगवान, अगर तूने मुझे बचाया है तो जरूर इतिहास रचने के लिए बचाया है। अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। बछेंद्रिया पाल के पास गई। बछेंद्रिया पाल ने उसको देखकर कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइंब करने का सोच लिया है? अरे तू तो एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है, अब तो दुनिया को बस तारीख पता लगना बाकी रह गया है। और जानते हैं, ना ही उसने एवरेस्ट बल्कि एक एक करके सारी दुनिया की सातों पीकों को पार कर लिया। एनडीए सरकार ने उसको पद्मश्री अवार्ड दिया है। साहब, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया।